30 अप्रैल को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चेकिंग के दौरान तीन युवकों ने यातायात पुलिस कर्मियों के साथ गाली गलौज और मारपीट की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। वहीं दरअसल मारपीट की घटना के तुरंत बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया था और एक आरोपी तभी से फरार था। आपको बता दें कि एक आरोपी और उसके दूसरे साथी को कंपू थाना पुलिस ने बीती रात बड़ी मुश्किल से उसके घर से पकड़ा था। पुलिस से बचने के लिए आरोपी रौनक बाथम ने खतरनाक नस्ल के रोटवीलर कुत्ते पाल रखे थे, जिसके बाद गुरुवार सुबह पुलिस आरोपी और उसके दूसरे साथी को मारपीट वाली जगह पर ले गई और पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला।